नमस्कार, मैं आनंद शेखर आपका स्वागत करता हूं प्रभात खबर के बिहार न्यूज बुलेटिन में, जहां बिहार के विभिन्न जिलों की छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू होंगे। कैमूर के नाथोपुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरा में जिला स्तरीय एक दिवसीय NPNCD के तहत सभी ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। भोजपुर के चांदी गांव के शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, स्कूल जाने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद जिले में अपनी नवविवाहिता पत्नी की तलाश में एक पति दर दर की ठोकरें खा रहा है। पत्नी को ढूंढने के लिए वो कई अधिकारियों से गुहार लगा चुका है। भभुआ रोड स्टेशन के पूर्व डडवा आरोबी के समीप पत्नी को ससुराल से लाने भाई के साथ जा रहे युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। GRP ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भभुआ अस्पताल भेज दिया। भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद यादव ने सरना पंचायत के लोगों को अपराध नियंत्रण के लिए संचालित कई अभियान की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। भोजपुर के खरौनी गांव में कपड़ा सुखाने के दौरान एक किशोर LTR तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जहानाबाद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गननकुरा में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। BEO के आश्वासन के बाद शांत हुए सभी लोग। विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बिहार के प्रदेश सह मंत्री कमल किशोर पाठक का निधन हो गया। कमल किशोर पाठक 2015 से विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रहे। महिला आरक्षण बिल के विरोध में राजद के नेता नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में आरा में एक बैठक आयोजित की गई। सिवान में कर्पूरी चर्चा का आयोजन हुआ। इस चर्चा में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज नीतीश कुमार देश के चहेते बन गए हैं। सिवान में अपराधियों ने 1 लाख रुपए की लूट के दौरान SBI CSP के महिला कर्मी को गोली मार दी। सिवान में रसोईया संघ ने वेतन सहित कई अन्य मांगों को लेकर निकाला मार्च और किया प्रदर्शन। धन्यवाद। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ, और इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।